उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कराने जा रहा है रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स का फाइनल ट्रायल। रणजी ट्रॉफी मतलब सीनियर कैटेगरी का, इसलिए मैं सीनियर कैटेगरी का ना बोलकर रणजी ट्रॉफी बोल रहा हूँ। इसको सिंपल लैंग्वेज में प्लेयर समझ जाएंगे, जो सीनियर कैटेगरी के ट्रायल्स हैं उनके ट्रायल्स 5 और 6 अगस्त को कानपुर में होंगे। अब आपके क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे तो हमने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दें। तो देखिए, जानते हैं आपका, अब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, अगर सीनियर कैटेगरी में अंडर 23 के ऊपर सीनियर कैटेगरी में, जिसको कुछ लोग रणजी ट्रॉफी भी बोलते हैं, सीनियर कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म भरा था तब आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स हुए थे, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनका ट्रायल्स होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी जाकर इसमें ट्रायल दे देगा, नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्टेड भी नहीं हैं, तभी आप नहीं जा सकते। जो डिस्ट्रिक्ट की सेलेक्टेड लिस्ट UPCA को मेल की गई होगी और प्लेयर्स को भी बता दिया गया होगा कि आपको 5 और 6 तारीख को पहुँचना है, उनके ट्रायल्स होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होना होगा कि इसमें कोई भी ट्रायल्स दे सकता है। हाँ, ट्रायल के टाइम तो अगर जो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो कोई भी दे सकता है, लेकिन इसमें जब फाइनल ट्रायल होते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट जाती है वही सेलेक्टेड प्लेयर ट्रायल दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आपके क्या क्या लगेंगे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपके पास होगा ही, और आधार कार्ड, क्योंकि सीनियर कैटेगरी में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आपका आधार कार्ड चाहिए और डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट गई है उसमें आपका नाम होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप 2024-25 का UPCA में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो स्लिप होनी चाहिए। और अब आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इसी में हम उसको भी कवर कर दे रहे हैं कि आपके क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर UPCA के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, कैसे हम स्लिप प्राप्त करें। देखिए, हमने पिछली बार भी जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे तो हमने काफ़ी वीडियोस बनाए थे उस पर। 1 महीने रजिस्ट्रेशन होते हैं UPCA में हर साल, वो फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग से अप्रैल तक रहता है। तो आपको अगर आप UPCA उत्तर प्रदेश से खेलना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक या तो UPCA को फॉलो करना है या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी अपडेट आती है ट्रायल से रिलेटेड हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। और हाँ, अगर आपकी उम्र 23 साल से नीचे है तो एक डॉक्यूमेंट मैं आपको कहूँगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट आज ही आप बनवा लें, क्योंकि अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका सही वाला डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, फेक तो आपका 100 रुपये में कोई भी बना कर देता है, जो ब्लॉक से तहसील से सही वाला बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसमें 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, कभी कभी 4 महीने तक लग जाता है। तो आज ही आप अप्लाई कर दें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, किसी का 1 महीने में बन जाता है, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपका 1-1.5 महीने में बन जाएगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन में UPCA के 6 से 8 महीने का टाइम है। या तो आपका फरवरी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा या मार्च में स्टार्ट होगा, और इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के ट्रायल होंगे जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स दिया था, वो डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्टेड हैं उनकी लिस्ट जाएगी। और डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं UPCA ने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेटर भेजा है उसका हम लगा दे रहे हैं, जो 6 तारीख को उन्होंने कुछ सहारनपुर मेरठ ओरठ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भेजा है कि आप अपने सेलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट हमको मेल करें। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और कोई और क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े।